नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। अमेरिका बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर की नई सहायता को दी मंजूरी। केवल यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करना अश्वेत लोगों के खिलाफ पक्षपात को दर्शाता है। WHO के प्रमुख। युद्ध के बीच रूस में महंगाई दर पहुंच सकती है 17 से 20% तक। राजस्थान उदयपुर झाड़ोल रोड पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत, CM अशोक गहलोत ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। घाटी छोड़ो या मरने को तैयार, निर्दोष को मारकर आतंकियों ने लेटर चिपकाया। भ्रष्टाचार मामला, CBI ने परमबीर सिंह के खिलाफ 5 मामलों की जांच अपने हाथों में ली, SC ने दिए थे निर्देश। देवघर रोपवे हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बचाने वाले जवानों से बोले PM मोदी, देश को आप पर गर्व। खरगोन हिंसा की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, मंदिरों और मकानों में आग लगा रहे उपद्रवी, घरों में ताले लगाकर भागे लोग। CM ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे शुभेंदु अधिकारी हुए चोटिल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। ठाकरे वर्सेस ठाकरे, संजय राउत बोले केंद्रीय एजेंसियों से छूट हासिल कर BJP के लाउड स्पीकर बने मन से प्रमुख। अखिलेश को हमसे नफरत, छोड़े उनका साथ मुसलमान से इस्लामी संगठन। मुसलमान सपा को छोड़ दूसरे विकल्पों पर करे विचार, भाजपा का ना करे विरोध, बोले मौलाना शाहबुद्दीन रीज। सामने आने लगे इमरान खान के कच्चे चिट्ठे, 18 करोड़ रुपए में बेच दिया, गिफ्ट में मिला नेकलेस। कोरोना के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना की तुलना में अधिक सुरक्षा दे रहे भारत में बने टीके, अदार पूनावाला। यूक्रेन पर एक जैसा सोचते हैं भारत और चीन, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। दिल्ली में एक दिन के अंदर 50% बढ़े कोरोना केस, 2.9 पॉजिटिविटी रेट के साथ आए 299 के। कानपुर में बाघ से 15,000 नींबू चोरी, केस दर्ज। किसानों ने रखवाली के लिए लगाए 50 लठैत, रोजाना 22,000 रुपए का उठा रहे खर्च। पेट में 6 करोड़ की हीरोइन छुपाकर लाया था शख्स, कस्टम वालों ने ढूंढा तो मिले 99 कैप्स। G7 की जर्मनी में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे PM मोदी। युद्ध के दौरान इस बैठक की बहुत अहमियत। 5 बार की चैंपियन MI को मिली 5वीं हार, पंजाब ने 12 रन से जीता मुकाबला।